हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक ये है कि आप किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के नाम पे ब्रांड जो ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रांड ईमेल एड्रेस का मतलब है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट चलाते हो और उसके साथ आपका जो ईमेल एड्रेस है, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस एट द रेट आपका वेबसाइट का नाम, अबाउट अस, इन्फो, सपोर्ट, इस तरह की जो ईमेल एड्रेस होता है वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकती हो, और आप अपने डोमेन के साथ जोड़ सकती हो। और अपने डोमेन पे जितने भी सारे उस ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल आएगा, वो सारी आपका दूसरे एक ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। तो वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो आप इन तक ज़रूर देखिए, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरा जो डोमेन है वो गोडेडी पे मैंने परचेज किया है, तो सारी जो प्रोसेस है वो मैं गोडेडी के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आप डेस्कटॉप यूज़र्स है तो आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो, अगर आप मोबाइल यूजर्स है तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए, और ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का जो रिक्वेस्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है आपका गोडेडी, और गोडेडी अकाउंट को आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गोडेडी सर्च कर चुका हूँ, और पहले वाला जो लिंक आ रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करके अपना जो गोडेडी अकाउंट पर चले जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लॉग इन कर लेता हूँ, और लॉग इन करने के बाद आपको आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करके मेरा अकाउंट पे घुस जाते हैं, ठीक है। तो जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका जितने भी सारे ईमेल एड्रेस, डोमेन जो भी है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा वर्कस्पेस ईमेल के नाम पे। अगर वर्कस्पेस ईमेल आपका शो नहीं हो रहा है, तो आपका जो ऑप्शन है वो एडिशनल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, तो एडिशनल प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं आता है। तो हो सकता है कि आपने आपका जो डोमेन नेम है वो कोई भी ऑफर्स के अंदर आपने बाई किया होगा, इसीलिए आपका जो वर्कस्पेस ईमेल का ऑप्शन है वो ऑफर पीरियड का, अगर आप अंदर कोई भी डोमेन क्रिएट बाई करते तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है गोडाडी की तरफ से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने दूसरे जो पहले से डोमेन परचेज किए थे उस अकाउंट पे आपका अपना जो डोमेन है वो ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो अगर आप किस तरह से ट्रांसफ़र करना होगा वो आपको मालूम नहीं है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कि आप किस तरह से आप डोमेन एक गोडेडी अकाउंट से दूसरे गोडेडी अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो जो टॉपिक के बारे में है वो आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ऊपर जो आपको मैनेज ऑल का ऑप्शन दिख रहा है वर्कस्पेस की साइट पे, राइट साइड पे आपको यहाँ पर मैनेज ऑल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो पहले से मैं मेरा जो दूसरे डोमेन एड्रेस पे मैंने ऑलरेडी जो ब्रांड नेम ईमेल एड्रेस क्रिएट करके रखा हो, तो इसलिए मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो इस तरह की जो ब्रांड नेम ईमेल एड्रेस है वो आप कुल मिला के जो 100 ईमेल एड्रेस आप एक ही अकाउंट से क्रिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो 100 की मतलब आप समझते हो बहुत ज़्यादा है, उतने तो हम लोगों को लगता है, हम लोग मैक्सिमम 10 लगेंगे, और आप अगर आप एक ही डोमेन क्रिएट करते हो तो आपको उसके लिए मैक्सिमम 2 से 3 ही लगने वाला है, ठीक है। तो चले अगर आपके पास पहले से कोई भी ब्रांड नेम डोमेन नहीं, ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर सिंपली क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आपको टच करना है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा अकाउंट पे पहले से मैंने 4 क्रिएट करके रखा हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्रिएट फॉरवर्ड के नाम पे आ रहा है, ठीक है। तो क्रिएट फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप विंडो है जो ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर पहले दिखने वाला है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको जो जूम करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांड नेम, ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे सपोर्ट के नाम पे यहाँ पर क्रिएट करूँगी, सपोर्ट एट द रेट द मिदनापुर टाइम्स डॉट इन, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोर्ट। सपोर्ट लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एट द रेट देना है, और आपका जितने भी सारे उस अकाउंट पर डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर द मिदनापुर टाइम्स डॉट कॉम के साथ यहाँ पर
करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर द मिदनापुर टाइम्स डॉट कॉम लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सी ईमेल एड्रेस पे आप जो सारे ईमेल फॉरवर्ड करना चाहते हो। अगर आपका कोई भी कस्टमर सपोर्ट्स एट द रेट द मिदनापुर टाइम्स डॉट कॉम के अंदर मेल करता है तो वो मेल आप कौन सी ईमेल एड्रेस पे आपको यहाँ पर रिसीव करना होगा, वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा मेल एड्रेस है वो आपको यहाँ मैं दे देता हूँ, ठीक है। देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे जाके आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और आपका जो ब्रांड नेम डोमेन ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर ओपन जो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर दोबारा अपने पेज को रिफ्रेश कर लेना होगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बूम शो हो गया, देखिए सपोर्ट द मिदनापुर टाइम्स डॉट कॉम सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद आपको कुछ DNS सेटिंग करना होगा, तो उसके बाद ही आपका जो ब्रांड नेम ईमेल एड्रेस है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और अपना डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर जो होम टूल्स और हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करना होगा। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्वर सेटिंग पे जाके कुछ सेटिंग्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका MX रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। तो ऐड किस तरह से करना होगा, तो जैसे कि मैंने पहले ही एक ऐड करके रखा था तो इसीलिए मेरा जो DNS रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी मेरे डोमेन के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप ये एक बार MS रिकॉर्ड अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर देते हो तो अगली बार से आप जितने भी सारे यहाँ पर MX रिकॉर्ड आप यहाँ पर जो ब्रांड नेम ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर MX रिकॉर्ड के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहली बार कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ये जो MX रिकॉर्ड पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर कॉपी करना है और आपको यहाँ पर जीरो वाला जो जीरो जो नंबर दिख रहा है वो आपको यहाँ पर ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली और न्यू टैब पे आपको गोडेडी का अकाउंट ओपन कर लेना है और आपका जो भी डोमेन के साथ आप क्रिएट करना चाहते हो उसके अंदर जाके आपको DNS पे विजिट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप करने के बाद मैं यहाँ पर मेरा जो माय प्रोडक्ट के अंदर चला जाता हूँ और जाने के बाद मेरा जो द मेदनापुर डाइम्स डॉट कॉम का जो डोमेन है उसके अंदर मैं DNS सेटिंग्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो DNS पे मैं यहाँ पर क्लिक कर चुका हूँ। DNS पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको एक MS रिकॉर्ड ऐड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली ऐड पे क्लिक करना है और सिलेक्ट पे जाके आपको MX चूज़ करना है। MX चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर होस्ट के जो ऑप्शन दिख रहा है होस्ट पे आपको ऐट द रेट देना है, ठीक है। होस्ट पे आपको ऐट द रेट देना है और पॉइंट्स पे आपने जो कॉपी किया था वो देना है और प्योरिटी पे आपको सिंपली जो नंबर जीरो था वो आपको देना है और सेव कर लेना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा जो आपको यहाँ पर DNS है MX रिकॉर्ड है वो भी आपको यहाँ पर कॉपी करना है, दूसरा वाला ये वाला कॉपी करने के बाद ये जो 10 नंबर दिख रहा है 1010 वो आपको ध्यान पे रखना है और उसके बाद दोबारा आपको उसी तरह से होस्ट पे ऐट द रेट देना है, पॉइंट्स पे वो आपको पेस्ट करना होगा और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्योरिटी पे 10 दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव करना है। जैसे दो MX रिकॉर्ड सेव हो जाता है, देखिए मैंने यहाँ पर पहले से सेव करके रखा है ये दो MX रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं मैंने दो यहाँ पर जो ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा। तो उसके बाद आपको सेव कर देने के बाद आपको रिफ्रेश करना है अपना DNS पेज को और उसके साथ साथ आपने जो ये जहाँ पर ब्रांड नेम ईमेल क्रिएट किया था वो भी आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के बाद आपका जो ब्रांड नेम ईमेल एड्रेस है वो अपना डोमेन के साथ और अपने ईमेल एड्रेस के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक मेल करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेरा जीमेल पे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मेरा जो देखिए मेरा जो ईमेल एड्रेस का नाम है आर्टेक स्टूडियो से मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं न्यू मेल चूज़ कर लेता हूँ और चूज़ करने के बाद मैं जो सपोर्ट एट द रेट द मिदनापुर टाइम्स लिख देता हूँ, ठीक है। लिख चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली मेल पे लिख देता हूँ हाई द मिदनापुर टाइम्स। उसके बाद मैं यहाँ पर मेल को जो है वो सेंड कर देता हूँ। देखिए मेरा मेल जो है वो सेंड हो चुका है और दूसरे वाले जो मेल एड्रेस मैंने डाला था जो भी मेल उस एड्रेस पे जाएगा वो जैसे ही मेरा अकाउंट पे आ जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो
थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हो, रिफ्रेश करने के बाद आपको मिल जाएगा। देखिए वो मेल जो है वो आर्टिक स्टूडियो की तरफ से यहाँ पर आ चुका है और मेल देख सकती है हाई द मेदनापुर टाइम्स ही आ चुका है। और मेल एड्रेस अगर आप देखते हो तो देखिए ये जो मेल है आर्टिक स्टूडियो से कहाँ पर आया, सपोर्ट एट द रेट द मेदनापुर टाइम्स डॉट कॉम के अंदर, और मेल जो है वो रिसीव मेरा द मेदनापुर टाइम्स एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम पे आया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितनी आसानी से अब अपने ब्रांड नेम की साथ आप ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ब्रांड नेम ईमेल के साथ अपने कस्टमर या विजिटर्स को आप रिप्लाई दे पाओगे। ठीक है, तो वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो आप अगली बारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, जब भी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।